हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ लगभग 70 दिनों के लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुल गए हैं और श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि सुबह सुबह पुजारी वर्ग के द्वारा मंत्र न्यास के द्वारा मंत्रों उच्चारण के साथ विधिवत रूप से माता के द्वार खोले गए और श्रद्धालुओं को मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 नियमों के तहत माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, देख सकते हैं आप श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए। हालांकि काफ़ी समय पहले मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लगभग 70 दिनों तक श्रद्धालुओं की खामोशी, यहाँ मंदिर में खामोशी देखी जा रही थी, लेकिन आज फिर से ऊंचे जयकारों के साथ ये माता के मंदिर गुलजार हुए हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं माता के दरबार से। सिंगल लाइन में श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। काफ़ी उत्साह था श्रद्धालुओं में हालांकि माता जी के दर्शनों को लेकर। जो भी श्रद्धालु इस समय इस लाइव को देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो इसे शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर सके। काफ़ी दिनों से मंदिर बंद थे तो श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचने शुरू हुए हैं और उनमें काफ़ी उत्साह है माता के दर्शनों को लेकर। मंदिर को हालांकि पंजाब की संस्था खन्ना के द्वारा मंदिर को रंग बिरंगी फूलों लाइटों से सजाया गया है। मां के दरबार इतने दिनों के बाद खुले हैं तो श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये आप लाइव दर्शन कर रहे हैं माता जी के। हमारे साथ ये नाभा से श्रद्धालु आए हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा माता के दर्शन करके आज। बहुत मज़ा आया जी, अभी दर्शन करके माई दे भाई सारे मास्क लगा लो। जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि बिल्कुल श्रद्धालु हमारे साथ जो है वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो इनका कहना है कि इतने दिनों के बाद मंदिर खुले हैं तो उनमें काफ़ी उत्साह है माता के दर्शनों को लेकर के। तो ये नाभा पंजाब से श्रद्धालु पहुंचे हैं माता के दर्शनों के लिए। तो सर, माता रानी से हमारी यही अपील है कि माता रानी सबके मनोकामना पूर्ण करें। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो कोविड नियमों की पालना करें और मास्क लगा के रखें। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है, दंडवत करके भी श्रद्धालु माता जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है माता रानी के दरबार में। कठिन यात्राएं करके माता के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता रानी भी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। झंडे हाथों में लिए हुए दंडवत करते हुए ये श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे हैं। अटूट श्रद्धा है, प्रेम है माता जी के दरबार से, माता इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी जुड़ गए हैं, प्रिंस पुजारी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसी व्यवस्था है और कितने श्रद्धालु आ रहे हैं आज माथा टेकने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब तक पता लग जाएगा श्रद्धालु आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जय माता। तो इनका कहना है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है लेकिन मंदिर खुले हैं तो धीरे धीरे श्रद्धालु पहुंचेंगे माता के दरबार में। तो कई श्रद्धालु हर तरह की मनोतियां लेकर यहां माँ के दरबार में पहुंचते हैं। जो भी श्रद्धालु इस लाइव देख रहा है, इसमें हमारे साथ जुड़ा है, उससे हमारी प्रार्थना है कि इसे शेयर भी करें साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माता के ये दर्शन कर सके।
तो ये लाइनों में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं, मास्क लगा करके। माता श्री नैना देवी का दरबार लगभग 70 दिनों के अंतराल के बाद खुला है। रोमी रोमी, हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े हैं जिन्होंने माता जी के मंदिर की सजावट करवाई है, तो इनसे जानते हैं कितना समय लगा जी और कौन सी संस्था के द्वारा ये किया गया सारा कार्य। प्रभु जी, ये सेवा सुपरिटेंडेंट साहब के कहने से नैना जी सुपरिटेंडेंट खन्ना द्वारा की गई है और कल सारा दिन लग गया, बाकी सजावट आपके सामने है। जय माता। तो ये पंजाब की समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो यहाँ पर मंदिर की सजावट और अन्य कार्यों को यहाँ पर अंजाम देती हैं। शायद श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लंगर की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, ये श्रद्धालु समय समय पर मंदिर न्यास के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से यहाँ कार्य करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का ये सजावट का ये दृश्य श्रद्धालुओं के मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा है। जो भी श्रद्धालु इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि वो इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि सभी लोगों को जो घर बैठे हैं उनको भी माता के ये दर्शन हो। आज कई दिनों के बाद माता के ये दरबार खुले हैं। थोड़ा फासला रखिए। श्रद्धालुओं को ये जरूरी कहा गया है कि वो मास्क लगाकर ही माता के दरबार में आए, तो ये श्रद्धालु मास्क लगा करके एक सिंगल लाइन में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। चलो जी बड़ी आगे को। ये माता जी के ये दरबार के दृश्य है। चलिए चलिए चलते जाओ चलते जाओ। ये साथ में परिक्रमा मार्ग में शंकर भगवान जी के दर्शन है। नहीं नहीं बनता मना है भाजी बार इतने देख लो बस। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ये पंजाब से श्रद्धालु आए हैं माता जी के लिए प्रसाद और अन्य सामग्री लेकर के, इनसे जानते हैं कैसा लगा जी इतने दिनों बाद मंदिर खुला है। बहुत खुशी हुई जी, पहले तो जय माता दी जी सारे भक्तों को, बहुत खुशी हुई माता जी ने मंदिर खोले भक्तों वास्ते जी। तो श्रद्धालुओं को कहना है कि उन्हें काफ़ी खुशी हुई है माता के दरबार में यहाँ आके, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये मंदिर खुले हैं। आस्था है श्रद्धालुओं की
हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कैसा लगा जी आज इतने दिन बाद मंदिर खुले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये परिक्रमा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी, जय माता दी जी। बहुत ये काली माता जी के दर्शन है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शोभा सुधा नमस्ते। माता लक्ष्मी जी के दर्शन है। ये सूर्य देव जी है सामने और ये 10 महाविद्या यहाँ पे स्थापित है। ये माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। और ये माता जी की यज्ञशाला है प्राचीन, जहाँ पर हर समय यज्ञ होता रहता है। यहाँ पर भी COVID-19 के चलते हवन यज्ञ करने पर मनाही है। आजा आजा मेरे भाई, आगे चलते जाओ। और सबसे लास्ट में भैरव जी के दर्शन है। कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन करके ही मनोकामना पूर्ण होती है।